morning student. Today we are going to discuss about nouns category common and proper. आज हम noun के बारे में discuss करने वाले हैं जिसकी category है आपके common and proper. Common और proper noun के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है. Look at the picture. तस्वीर की तरफ देखिए and read the given description. A girl is playing with her dog. एक लड़की अपने कुत्ते के साथ खेल रही है. Her name is Sheila. The dog is named Yuja. They live in a village called Gopalpur. They stay in a house named Rajnivas in the village. Some words in the above sentences are underlined and some are given in a box. What is the difference between them? अब देखो यहाँ पर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें क्या है, कुछ हाइलाइटेड वर्ड है, कुछ हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, तो कुछ वर्ड्स पर तो अंडरलाइन है और कुछ वर्ड्स को इनबॉक्स किया हुआ है. अब इनबॉक्स वाले कौन से नेम हैं और अंडरलाइन वाले कौन से नेम है, इनमें डिफरेंस क्या है और देखते हैं. द अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉमन नेम्स. जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो कॉमन नाउंस हैं. अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं वो कॉमन नाउंस हैं. कैसे नाउंस हैं? कॉमन नाउंस हैं बिकॉज दे आर जनरल नेम्स, क्योंकि वो सामान्य नेम है फॉर एनी पर्सन थिंग एनिमल और प्लेस. किसी भी पर्सन वस्तु एनिमल और प्लेस के वो कैसे नेम है? सामान्य नेम है. दे डू नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर्स. ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते हैं. गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, गर्ल तो कोई भी हो सकती है. डॉग, डॉग तो कोई भी हो सकता है. विलेज, विलेज तो कोई भी हो सकता है. हाउस, तो हाउस तो कोई भी हो सकता है. ये जनरल नेम है. इस टाइप की किसी भी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग को हम इनसे डिनोट कर सकते हैं, तो इनको हमने जनरल नेम बोला या कॉमन नेम बोला, तो ये कॉमन नाउंस बोल जाएंगे. The words given in the boxes are proper names. और जो words box में दिए गए हैं उन्हें हम proper nouns बोलेंगे, उन्हें हम proper nouns बोलेंगे. Because क्योंकि they name a particular person, thing, animal or place. क्योंकि वे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जानवर और प्लेस स्थान के नेम हैं. They always begin with a capital letter और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. शीला, वो जो गोपालपुर, रजनीवास, ये पर्टिकुलर नेम है. शीला किसी लड़की का अपना पर्टिकुलर नेम है. अगर हमने एक ग्रुप में चार लड़कियां बैठी हुई हैं, गर्ल्स बैठी हुई हैं, हमने बोला गर्ल कम हियर, तो चारों गर्ल्स हमारी तरफ देखने लगेगी, ये सोचेंगी पता नहीं सर किसको बुला रहे हैं. अगर मैंने बोला शीला कम हियर, तो जिस लड़की का नाम शीला होगा वही उठ के आएगी, सर बुला रहे हैं. तो शीला एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो ये प्रॉपर नेम हो जाएगा. बुजु भी अपना पर्टिकुलर नेम है, गोपालपुर भी पर्टिकुलर नेम है, रजनीवास भी पर्टिकुलर नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन होते हैं और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. Common nouns always begin with a small letter, except when they are in the beginning of a sentence, of the sentence. Common nouns जो होते हैं ना, वो हमेशा small letter से start होते हैं, जब वो sentence के बीच में आ रहे होते हैं. Birds fly in the air. Next, here are some examples of common nouns and proper nouns. यहाँ पर कुछ common noun और proper noun के examples हैं. Pupil common nouns है, city common nouns है, country common nouns है, buildings monuments, ये all the words are common noun. Pupil में कोई भी pupil हो सकते हैं, city में किसी भी city की बात कर सकते हैं, कंट्री में किसी भी कंट्री की बात कर सकते हैं, बिल्डिंग में हम किसी भी बिल्डिंग की बात कर सकते हैं, तो ये वर्ड है ना कॉमन नेम्स हैं, तो इन्हें कॉमन नाउन बोला जाएगा. प्यूपिल में राहुल द्रविड़ भी आ सकता है, मदर टेरेसा भी आ सकती है, निशा भी आ सकती है.
सिटी में न्यू दिल्ली भी आ सकती है, मुंबई भी आ सकती है, मॉस्को भी आ सकता है। कंट्री में इंडिया, रूसिया, रूस, चाइना कोई भी आ सकता है। बिल्डिंग में ईफेल टावर, ताजमहल, इंडिया गेट कुछ भी आ सकता है। तो ये प्रॉपर नेम है तो प्रॉपर नाउन्स हैं, ये कॉमन नेम्स हैं तो कॉमन नाउन हैं। अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स। देखिए बेटा ये एक्सरसाइज दी जा रही है आपके लिए, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, निशान, कुतुब मीनार, फोटोग्राफ, सीट, है ना। आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है और लिखा भी है, सॉल्व एक्सरसाइज है पहले से। आपको जो अंडरलाइन करना है आपको कॉमन नाउन, जो भी वर्ड कॉमन नाउन होगा उस पे आपको अंडरलाइन करना है, जो प्रॉपर नाउन्स होगा उस पे आपको सर्किल कर देना है। बी एक्सरसाइज है आपकी, रीराइट द प्रॉपर नाउन्स इन दी सेंटेंसेस इन द ब्लैंक्स। Remember to start them with capital letters. One has been done for you. एक आपके लिए हुआ, एक आपके लिए सॉल्व हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो प्रॉपर नाउन जब भी स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो इस बात को, इस फैक्ट को हम नहीं भूलेंगे। प्रॉपर नाउन का जब यूज करेंगे सेंटेंस में तो जब उसे लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखना उसे नहीं भूलेंगे। तो जैसे देखिए, तरुण इज अ वेरी गुड सिंगर, तरुण एक बहुत अच्छा गायक है ना। तो ग्रामेटिकली इसमें मिस्टेक तो कुछ नहीं है, लेकिन एक मिस्टेक है जब हमने बोल ही दिया है और इसका रूल होता है प्रॉपर नाम का कैपिटल लेटर होता है। तो देखो तरुण में टी बड़ी बना देंगे, ऐसे ही गांधीनगर का कैपिटल ऑफ गुजरात तो गांधीनगर में टी बड़ी आ जाएगी। तो इस तरह से आपको यू आर टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज आल्सो, ये भी एक्सरसाइज आपको ही करनी है इस तरह से। पॉइंट नंबर सी है आपका, ये एक्सरसाइज आपके लिए, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल नाउन फ्रॉम द बॉक्स। आपको क्या करना है, फिल अप करना है, स्पेस दिया हुआ है वो फिल अप करना है विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्स। इस बॉक्स में जो वर्ड दिए हैं, जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से। आवर स्कूल प्लेड वेरी वेल इन द मैच, है ना। तो इस तरह से रेड कोट इन दिल्ली, तो इन वर्ड्स को यूज करते हुए आपको फिल अप करना है। 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन हैं इसमें, ओके। अब इन कॉन्टेक्स्ट में इसमें क्या है, अंडरलाइन ऑल द नाउन्स इन दीज इन दिस पैसेज। अब ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें देयर आर सो मेनी वर्ड्स are used in this paragraph and some of them are nouns. उनमें से कुछ तो nouns हैं, है ना, कुछ verbs हैं। तो आपको क्या करना है, underline करना है noun, जो जो word इसमें noun होंगे उन पे आपको underline करना है। तो मैंने आपको noun के बारे में आपको केवल इतना बताना है कि noun है। proper और common करने के लिए इसमें indicate नहीं किया गया है, तो आप मत करिएगा, केवल आपको अंडरलाइन करके ये लिखना है बट नाउन है। और नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक दिमाग में एक आइडिया रखेंगे क्या होता है नाउन। पर्सन का नेम नाउन होता है, किसी भी पर्सन का नेम नाउन हो जाएगा। प्लेस का नेम, किसी भी प्लेस का नेम नाउन हो जाएगा। किसी भी एनिमल का नेम नाउन माना जाएगा। किसी भी थिंग का नेम नाउन। इन चार कैटेगरी को आपको माइंड में सेटअप करके उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू स्टूडेंट टुडे।